आप एनडी की प्रिपरेशन कब से कर रहे हैं और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से अगर आपने एग्जाम दिया है अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ? ओके, सो आपका नाम क्या है? दिव्यांश। ओके, सो दिव्यांश, आप अभी किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर, एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी। ओके, नेशनल डिफेंस अकेडमी, इट मीन्स एनडीए। तो दिव्यांश, मैं जानना चाहूँगा आप एनडीए की प्रिपरेशन कब से कर रहे हैं और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से अगर आपने एग्जाम दिया है अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ? सर, अभी नहीं, अभी मेरा 12th अपीयरिंग है, अभी जस्ट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है, 2 महीने हुए मुझे करते हुए। तो इट मीन्स कि अभी आप अपना पहला अटैम्प्ट देने जाएंगे। तो दिव्यांश, अभी आप आई थिंक पिछले 3-4-5 महीने से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सो फार अभी आपको प्रिपरेशन करते वक्त किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है? सर, यही सर, जीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जीएस में प्रॉब्लम हो रही है, समझ सकता हूँ। दिव्यांश, मैंने भी एनडीए क्वालिफाई किया है एंड मैंने 2 से 3 बार एनडीए क्वालिफाई किया है एंड जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे भी जीएस में ही प्रॉब्लम होती थी। तो दिव्यांश, मैं बताना चाहूँगा कि आपके आलमबाग सिटी में ही हम एक ओपन सेमिनार कर रहे हैं जीएस के लिए मेनली, और उस ओपन सेमिनार में हम आपको बताएंगे कि आप जो जीएस एनसीईआरटी है, जीएस है, उसको कैसे पढ़ सकते हो, राइट, कितना पढ़ने की जरूरत है, किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, सो दैट कि आपका एनडीए एग्जाम क्लियर हो जाए। तो दिव्यांश, आई होप कि आप इसमें आए और इस सेमिनार में जो भी हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाएगा आप वो सीखें, जिससे कि आपका पहला या दूसरे अटेम्प्ट में ही एनडीए एग्जाम क्लियर हो जाए। दिव्यांश, आप आना चाहेंगे? श्योर सर। ओके, सो दिव्यांश, थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात की एंड आई विश कि आप 2 जुलाई को आएँ और सेमिनार अटेंड करें। थैंक यू।